हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीमेशन लेटर के ऊपर। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आया था और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत लोगों का मैसेज आया। दोस्तों, मैं इंटीमेशन लेटर के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार रियल और जेन्युइन वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग को हमेशा टाइम से वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीमेशन लेटर के ऊपर क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मुझे जरूर फॉलो करें अगर आपको आपके GTS के फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रोसेस के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं इंटीमेशन, दोस्तों इंटीमेशन लेटर के ऊपर। इंटीमेशन लेटर की बात की जाए तो इसकी जो प्रक्रिया होती है, रिजल्ट के 15 दिन के बाद स्टार्टिंग हो जाता है। दोस्तों, रिजल्ट के 15 दिन के बाद स्टार्टिंग हो जाता है। अब कब तक आता है इसके ऊपर बात की जाए तो दोस्तों, बात की जाए सबसे पहले कि इसमें बहुत लोगों का यह कमेंट था कि सर, जो होता है इंटीमेशन लेटर के मैसेज आते हैं या डायरेक्ट इंटीमेशन लेटर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इंटीमेशन लेटर के जो होता है प्रोसेस, उसमें मैसेज नहीं आते हैं। इंटीमेशन लेटर का कोई मैसेज नहीं आता है। डायरेक्ट आपको इंटीमेशन लेटर आएगा डाक के थ्रू इंटीमेशन लेटर आएगा। अब इंटीमेशन लेटर में क्या दिया होता है वह मैं आपको बता दूं कि इंटीमेशन लेटर में जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिए होते हैं और डेट दिया होता है कि इस डेट को आपको यहाँ आना है, मतलब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना होता है। इंटीमेशन लेटर में या डेट दिया होता है और जो डेट होता है वह आपको यहाँ पे 1 से 15 दिन के बीच में, 1 से 15 दिन के बीच में कभी भी आप लोग जाके उस वेरिफिकेशन को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 दिन में जाके आप लोग कभी भी उस वेरिफिकेशन को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो जैसी इच्छा हो आप लोग को, अगर टाइम मिलता है तो आप जल्द से जल्द जाएं, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने में कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आपका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे इंटीमेशन लेटर की प्रक्रिया के मैंने बारे में बता दिया कि यहाँ पे जो होता है 1 से 15 दिन लग जाते हैं, आपको टाइम मिलता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको आना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कितने दिनों में आएगा। तो इंटीमेशन लेटर जो होता है नॉर्मल, जब रिजल्ट रिलीज किया जाता है, रिजल्ट रिलीज के 15 दिन बाद से स्टार्टिंग हो जाता है। रिजल्ट रिलीज के 15 दिन बाद से स्टार्टिंग हो जाता है। और कब तक यह आता है तो वो अभी मैं बता दूँ कि आप, अगर आपका इंटीमेशन लेटर नहीं आ रहा है तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि इंटीमेशन लेटर आता है। या तो यहाँ पे 1 महीने लग जाए या 2 महीने लग जाए, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है कि यहाँ पे 3-3 महीने बाद इंटीमेशन लेटर आए हैं। तो आप लोग निश्चित हो जाइए, अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो टेंशन ना लीजिए। जैसे मतलब ज़्यादा टाइम होगा मैं इसके ऊपर एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे तो जो रिजल्ट के 15 दिन बाद से इंटीमेशन लेटर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इंटीमेशन लेटर में आपके वेरिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और डेटा जो दिया होता है कि इस डेट तक आपको सबमिट करना है, यहाँ पे आना है, तो इससे रिलेटेड जानकारी होती है। और इसमें एक और जानकारी होती है जो आप लोगों को काफ़ी मतलब कि ज़रूरी है जानने के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग निश्चित हो जाएं और वीडियो में बने रहें ताकि आपको और इसके बारे में ज़्यादा पता चले। मैं आपको ये अभी बता दूं कि इंटीमेशन लेटर जो होता है 15 दिन यानी रिजल्ट के 15 दिन बाद से आने स्टार्ट हो जाते हैं, और यह कब तक चलता है और इसमें कितने टाइम लग जाते हैं ये अभी जान लीजिए। क्योंकि जो 15 दिन के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं तो लोग सभी लोग घबरा जाते हैं कि 15 दिन मेरा हो गया, मेरा नहीं आया, 20 दिन हो गया या 1 महीने हो गया। तो दोस्तों, जो मतलब कि जो गांव के लोग, मतलब बहुत लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो जो गांव के लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्म में, तो उन लोगों के लिए इंटीमेशन लेटर जो जाता है तो उन लोगों का थोड़ा वेरिफिकेशन में थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा उनको ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो गाँव के क्षेत्र से होते हैं, उनको पहुँचने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो ये इंटीमेशन लेटर धीरे धीरे करके इसका डेट बढ़ने लगता है, और मतलब कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलने लगती है। तो दोस्तों, मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कब तक आएगा और क्या है। जैसे भी कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जरूर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो मिल जाए।